हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का जो वीडियो हम कर रहे हैं उसका टाइटल है मेजर जनरल जीडी बख्शी सैवेज देसी ठग लाइफ। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ठग लाइफ वैसे काफी कमाल की होती है, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या कमाल दिखाते हैं ये। तो वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना वीडियो। तो बहुत टाइम से कोई ठग लाइफ या हग लाइफ वीडियो अपलोड नहीं की, तो मैं सोचा क्यों ना एक मिक्स वीडियो अपलोड की जाए। वो प्यार क्या होता है? प्यार एक अलग चीज भी होती है। जैसे जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में एक प्यार होता है। तुम्हें कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली? ऐसी शक्ल नहीं बनाई भगवान ने। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ट्रस्ट मी, तेरी शक्ल अच्छी है भाई। तेरी फीलिंग में अंडरस्टैंड कर सकता हूँ क्योंकि मेरा शक्ल भी तेरी तरह है। बेटा तू हंस मत, तेरा शक्ल तो जुलाब की तरह है। ओके, एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, यू, यस यू, यू आर ब्यूटीफुल। ओके, तो भाई बारिश का सीजन चल रहा है, आई लव बारिश। ओके, स्पेशली मुंबई की बारिश। ब्यूटीफुल। मेरे फ्यूचर मूवी की एंट्री लीक कर दी। ये देखने के बाद मेरे को मालूम नहीं कभी रेजिस्टेंस बैंड यूज कर पाएगा कि नहीं। Now बादशाह, who doesn't like बादशाह? No one likes बादशाह। जिनको एमवी डिवाइन पसंद है उनको बादशाह ऑफ कोर्स नहीं पसंद होगा। तो यार बादशाह वाज इन एन इंटरव्यू विद श्री श्री रविशंकर। अच्छा अभी एक गाना तो सुना हो ना आप अभी। कौन कोई भी सुना आप, कोई भी एक गाना सुना हो। ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वही है माला वही है मन का, मस्त मलंग वो अपनी धुन का, जंतर मंतर तंत्र यामी है सर्वज्ञ के स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओमकार है इसी की वाणी, भांग धतूरा बेल का पत्ता, तीनों लोक इसी की सत्ता, विष पी कर भी अडिग अमर है, महादेव हर हर है जब तक, वही इकाए जिसके भीतर बसा शिवा। वाह, गा के सुना ना इसको। ये ऐसे ही था, ऐसे तुम्हारा करते बादशाह के मुंह से निकलने ही वाला था। गुरुजी इसमें ऑटो ट्यून नहीं कर सकते ना, ऐसा लग रहा था बादशाह को स्कूल का पोयम बोल रहा है। बट एनीवेज करवाली बेइज्जती। तो आई एम श्योर यू गाइस, आप लोग ने भी मन्नतें मांगी होगी एंड मांगते भी होंगे। मैंने काफी मन्नतें मांगी थी एग्जाम पास करने के लिए, बट एक भी मन्नत पूरी नहीं हुई। बट समथिंग बेटर हैपेंड व्हिच इज यूट्यूब। सो बट ऐसी मन्नत आप लोग ने किधर देखी नहीं होगी। I actually wanted to know what she was trying to do. We see the funny side of it, but auntie Ilya, I think it was very embarrassing. Ye auntie bhi idhar soch rahi hai, arre so karwa gayi thi. Now Omegal, I hate Omegal. मेरे को ओमेगल पसंद ही नहीं है। एक टाइम पे मैं भी ओमेगल पे जाता था कोई तो मिल जाए चैट करने, बट लौंडे निकलते थे। और इस बंदे का वीडियो देखने के बाद ना कसम भरोसा उड़ गया। हेलो, क्या हालचाल? मैं भी ठीक हूँ, आप बताओ कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ प्रॉपर, मैं बिहार का हूँ। क्या नहीं गड़बड़ तो मुझे कुछ नहीं लग रही है। पक्का आपको कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? हाँ अभी तो मालूम है भाई, मजे भरी लेते हो बराबर यार।
क्या यार सकल चल मार कर मजा ले रहे यार भाई साहब, ये लाइट कहाँ से लाए हो यार, मुझे भी दे दो तो मैं दिन रात में दो चार को मजे ले लेता हूँ। जो भी ओमेगल पे जाता है ना देख लो ऐसे फंसोगे। नहीं एक टाइम था जब मैं भी लड़कियों का फेसबुक अकाउंट बना के लोगों से रिचार्ज करवा के लेता था। यस आई एम सॉरी अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो जिनसे मैंने रिचार्ज करवा के लिया है, बट यस एक टाइम ऐसा था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से वीडियो कॉल आ गए तो लोग वीडियो कॉल पे लड़की बन के ही हरकत कर रहे हैं। नहीं मतलब मॉडर्न प्रॉब्लम्स एंड मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। हेलो कातिल स्माइल है आपकी। आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? मैं कश्मीर से। कश्मीर वाओ वादियों में रहते हो? आप ही को देख रही हूँ, आप मेरे को देख रहे हो। नाम क्या है आपका? रफीक। क्या हाल है रफीक भाई के? ये तरह पता मुझे तरह वक्त बदल दिया, बदल दिया, जिंदगी बदल दी। सही ऑफकोर्स पता था, ये सबसे बड़ा डिफेंस होता है। इसके अलावा और कुछ बोल ही नहीं सकते, पता है कट गया। स्माइल बहुत अच्छी है तुम्हारी, सब कहते हैं। अरे मालूम था मेरे को। मालूम था लोगों के अरमान तोड़ रहा है लड़का, इसके लिए नरक में अलग जगह रहेगी। एंड भाई अभी अभी रिसेंटली जो है सूर्य ग्रहण हुआ था, एंड अपने घर वाले तो तुमको पता है सूर्य ग्रहण में खाने का नहीं, सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलने का। अगर तुम्हारे भी घर वाले ऐसा कुछ बोलते हैं ना तो उनको ये दिखाओ। सो व्हाट बेसिकली हैपेंड, दिस एस्ट्रोलॉजर एंड दिस साइंटिस्ट दोनों को बुलाया डिबेट करने एक न्यूज चैनल पे। सम पीपल जस्ट वांट टू वॉच द वर्ल्ड बर्न। ऋषियों ने कहा कि ग्रहण काल में कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, सूतक काल में भोजन आदि नहीं करना चाहिए। उमाकांतानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही, उसे जठराग्नि जो है कमजोर हो जाती है। ग्रहण काल में अनेक प्रकार के जीव जंतु विषाणु जो है उत्पन्न हो जाते हैं, भोजन में वो कारक हो जाते हैं। राजकुमार जी आप बोल रहे हैं कि आप कुछ खाइए मत, गौहर रजस आप कुछ खाते हुए ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि खाना एक सामान्य प्रक्रिया है। म्यूजिक ग्लासेस। तो अब न्यूज की बात चल रही है तो हाउ कैन वी फॉरगेट द थग ऑफ द मंथ जीडी बख्शी सर। तो जीडी बख्शी जिनको नहीं पता ये आइकॉनिक डायलॉग तो याद होगा। तो सर जीडी बख्शी वाज रिसेंटली ऑन अ न्यूज चैनल डिबेटिंग। अरे युद्ध कब करो वही तो हम पूछ रहे हैं। मैं जवाब दे। अबे युद्ध करो तमीज भाई मारी थी मेजर जनरल एंड ही हैज गिवन हाफ ऑफ हिज लाइफ फॉर द आर्मी, लेकिन जीडी बख्शी ने गाली दिया। निकल जाता है फ्रस्ट्रेशन में, निकल जाता है। अभी उनकी एज देख लो। डोंट वरी डोंट, बाबा जी सेफ है। इनको प्रॉब्लम आ गया इसलिए पहले तो मेरे को रामदेव बाबा लगे, फिर मालूम पड़ा रॉन्गदेव बाबा है। तो फ्रेंड्स इसमें कई थे जो मुझे अच्छे लगे और कई तो समझ ही नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे ख्याल से वॉल्यूम की प्रॉब्लम थी। जो जीडी बख्शी का दिखाया उसमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, पर फिर बताया गया कि उन्होंने जो है उन्होंने शायद कोई बैड लैंग्वेज यूज की थी गुस्से में, तो वो कह रहे थे कि भाई लुक एट हिज एज। पर मुझे लग रहा है उन्होंने तो इसलिए यूज की होगी क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, कोई ऐसी चीज बोली गई होगी जो उनको बहुत हर्टिंग हर्टफुल लगी होगी, या तो आर्मी के बारे में बोला है क्योंकि वो कुछ कह रहे थे इस टाइप से, तो हो सकता है उस वजह से फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने गुस्से में बोला होगा। पर जो मुझे अच्छे लगे वो तो वो जो साधु से थे जो एक्सरसाइज टाइप कुछ कर रहे थे, पहले तो मैं देख के मैं तो बोला वाह बड़ा कमाल है ऐसे हाथ करके स्विंग कर रहे हैं, और मुझे भी पहले ऐसे ही लगा जैसे रामदेव जी हैं। फिर जब वो उल्टा हुए मैंने कहा वो कहाँ चले गए, पर शुक्र है पीछे पानी था तो उससे बच गया। वो कहते हैं कि थोड़ी सी मेरे ख्याल कुछ ऐसे बोले थे कुछ रॉन्ग हो गया है, गड़बड़ हो गई थी थोड़ा करते करते उस टाइप से कुछ बोल रहे थे, वो काफी फनी लगा था उस टाइम देखने में। और वो जो बोल रहे थे जिसमें उनको बोला कि गाना गाओ बादशाह को, और उन्होंने वो गाना गाया और उसकी जो ये बोला गाना गाने को जो बोल रहे थे वो अभी हमने उसका रिएक्शन किया है, और इतना मतलब मेरे को कहा कि देखो कोइंसिडेंस क्या है कि अभी रिएक्शन किया और अब इस वीडियो में भी आ गया है, तो ऐसा लगता है वो शायद बादशाह ने ही गाया होगा। तो उन्होंने मजे की बात ये थी गा के सुन अपना बोल के सुनाया,
तो वो कहते हैं कि आप गा के तो सुनाओ, वो तो बहुत ही मतलब एम्बैरेसिंग था सच्ची में। तो वो कहते नहीं ऐसे ही था ऑब्वियसली, मतलब आप अगर वो गाना सुना हो, अगर नहीं सुना तो आप सर्च कर लेना तो उसमें आपको पता चलेगा, उसमें थोड़ा मेरे ख्याल से वो म्यूजिक और जो सब था उसकी वजह से हुआ होगा। तो वो काफी एम्बैरेसिंग था, मतलब एक सिंगर को बोलो गा के सुना, जबकि वो अपनी तरह से सोच रहे होंगे कि मैं गा के तो सुना रहा हूँ। तो काफी ये तो मेरे को अच्छे लगे, मजेदार थे, तो अच्छा लगा। मतलब थोड़ी हंसी मजाक के लिए ऐसे वीडियोस देखना, मतलब लाइफ में इतना जो चल रहा है उसके थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने के लिए अच्छा है। तो इसमें मेरे ख्याल से जो बादशाह का जो बोल रहे थे गाना, हमने पिछले वाले में भी जब गाना आया था मैंने उसके बाद एक कमेंट दिया था कि ये किस टाइप का है, इसमें सब बोल बोल के ही है और बोल बोल के बंदा बोल रहा है तो एक गाना कैसे बन गया। नॉर्मली हम, मैंने उसमें भी कहा था कि मुझे पसंद है जिसमें आप एक्चुअली गा रहे हैं, तो यही बात यहाँ पर भी थी कि ये आप बोल रहे हैं सिर्फ, ये बोलना जो है गाना कब से बन गया। तो और डेफिनेटली ने कहा भाई यही है जी, ऐसे ही करवाया मुझसे, और तो बेसिकली काफ़ी ऑनेस्टली बोला था कि यही है, यही करवाया था मुझसे और मैंने यही करा है, तो वो अच्छी बात थी। तो लाइटर नोट पे जो है लोग वीडियो देखते हैं, अच्छा वीडियो था। इसमें एक मेरे को याद आता है कि वो पानी वाला डेफिनेटली जो मुंबई में था, ओ माय गॉड, वो इतना होता है क्या वहाँ पानी, काफ़ी जब रेन्स आती हैं और मान लीजिए ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है तो ऑफकोर्स जगह जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा होता है तो बहुत अच्छा लगा देख के, पानी देखा पानी देख के अच्छा लगा, मजा आया देख के कि पानी इकट्ठा हो रहा था, मगर वो लोग जो है बिंदास अपनी वॉलीबॉल खेल रहे थे। तो वॉलीबॉल आप खेल सकते हैं, वो डिफरेंट की बन रही है वॉलीबॉल इन वाटर, वाटर वॉलीबॉल होती भी है, स्विमिंग पूल में खेलते हैं, रियलिटी स्विमिंग पूल में भी होती है वाटर वॉलीबॉल, और ये वही बन रही थी कि आप खेल सकते हैं और लोग मजा कर रहे थे। उसके बाद जो मज़ेदार था वो ये था कि सिटी भी हेल्प कर रही है, कोई जो जेंटलमैन फंस गए थे स्कूटर जिनका फंस गया था उनको सिटी ने हटाया और लेके जा रहे हैं, वो जबरदस्त था। तो डिगिंग वाले से हाँ। डिगिंग वाले के अंदर ऐसे उसके अंदर जैसे कोई बुलडोजर हाँ, बुलडोजर में उसके अंदर वो डाली हुआ स्कूटर, वो बेस्ट है, वो स्कूटर पे बैठे हैं। तो बुलडोजर तो स्ट्रांग होता है, बुलडोजर ने वही कहा होगा कि स्कूटर निकालो वहीं बैठ जाओ तुम्हें ले जाते हैं, और वो कोरोना वायरस है तो छूना भी नहीं चाहते किसी को शायद। ओ, हाँ। तो सिटी वालों ने बोला होगा देखो भैया जो भी स्कूटर वूटर निकाल के वहीं तुम भी वहीं चढ़ जाओ तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। मैं तो कह रही हूँ अच्छा झूठा मिला है, मजा आया होगा। और देखिए मतलब अल्टीमेटली यही है कि जो आपके टैक्स के डॉलर मतलब आपके जो टैक्स का पैसा है वो इसी में जा रहा है, टैक्स का पैसा आप सिटी को देते हैं, सिटी आ रही हेल्प कर रही है। सिमिलरली हमारे यूएस में भी यही होता है, काफ़ी स्नो पड़ती है तो सिटी बहुत काम करती है स्नो रिमूवल का, और वो सब टैक्स से ही चलता है। तो काफ़ी लाइटर नोट पे मजेदार वीडियो था, मजेदार था वैसे, कमाल का है। थोड़ी देर में बोट भी वहाँ पे तैरने लग जानी थी कि बोटों से जाएं, जैसे होता है ना कई जगहों पे जब बहुत फ्लड आ जाते हैं, पर अच्छा वीडियो था, मजा आया देखने में। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको भी हमारे साथ देखने में मजा आया होगा, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।